केवल साल में एक दिन होता है, वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, जिस दिन भगवान शिव पर रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक तुलसी का जल चढ़ता है और भगवान लड्डू गोपाल को, सालिग्राम जी को, भगवान नारायण को बेलपत्री चढ़ती है, उसको कहते हैं हरि हर मिलन। कितनी बजे? रात को 12 से 4। और वो बेलपत्री और वो तुलसी का इतना महत्व होता है भाई, अगर वो वैकुंठ चतुर्दशी की तुलसी और बेलपत्र को सेहत की शीशी में रख लिया जाए, और बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, चिड़चिड़ प्रवृत्ति के हैं, पढ़ाई नहीं करते, विद्या में मन नहीं है, उन बच्चों को वो शहद 15 दिन तक लगातार चटाई जाए, बच्चे पढ़ने में होशियार हो जाते हैं, वो वैकुंठ चतुर्दशी की तुलसी से मिलने के लिए, मेरे भगवान कृष्ण शंकर से मिलने के लिए आए। और बाबा भोलेनाथ जी भगवान शिव कृष्ण से मिले। उस युद्ध के मैदान में पहली बार भगवान शंकर ने अपनी बेलपत्र अपनी जटा में से निकाल कर भगवान कृष्ण को समर्पित करी, और भगवान कृष्ण ने अपना हृदय से तुलसी का दल निकाल कर शिव को समर्पित करा। वही दिन हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, हरिहर मिलन का दिन हो गया, जिस दिन शिव को साल भर में एक बार तुलसी आती है और ठाकुर जी को साल में एक बार बेलपत्र आता है।